हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, होप आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं घर पे और सीख रहे हैं, और जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझ रहे हैं और देख रहे हैं और साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि दिस इज द चैप्टर 2 पार्ट 9, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद मैं स्टूडेंट्स कुछ असाइनमेंट और कुछ क्विज के फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा, तो दैट यू हैव टू सबमिट इट। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोग को स्टूडेंट्स बताया भी है कि अब जो आपका कैड कैम का पर डे मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, तो मॉर्निंग में ये होगा, उसका टाइमिंग मैंने दे दिया है। तो पर डे आपका जो लेक्चर है वो पब्लिश होगा मॉर्निंग में आपके यूट्यूब चैनल पे, और वहां पे स्टूडेंट्स आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। दैट मीन्स वहां पे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ मैं प्रेजेंट हूँ, और आप पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे। सो दैट इससे ये होगा कि बिकॉज टाइम का शेड्यूल रहता है तो बेटर रहता है, एक टाइम के साथ जो है आप लोग पढ़ाई करेंगे तो इस शेड्यूल के हिसाब से तो सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट 8 में सम डायमेंशन लाइंस, डायमेंशनिंग कैसे करें, तो वो सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो और अगर गूगल क्लासरूम में नहीं जुड़े हैं तो गूगल क्लासरूम में आप लोग जुड़ जाइए, बिकॉज वहां पे मैं PDF फॉर्म में ये सारे नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ असाइनमेंट भी पुट करूंगा, वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने हैं विद इन द गिवन टाइम। तो आज 29th है, कल 30 यानी कि 30 तारीख से आपको प्रातः 10 बजे, सुबह 10 बजे आपका यूट्यूब पे पर डे ये कैट कैम का लेक्चर पब्लिश होगा, और वहां पे आप देख के उसको देखेंगे, वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, प्रेजेंट लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट मुझे भी लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसी के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ मैंने बताया 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ कमांड्स होते हैं जिसकी सहायता से ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब जो 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, या फिर जो ड्राइंग होती है 3D ऑब्जेक्ट होती है, उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है या मूव कराना है कुछ भी तरीके से, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं। तो सबसे पहला हम जूम कमांड की बात करते हैं। तो जैसा आप लोग नाम से ही पता चल रहा है कि ये जूम कमांड क्या है, जो आपको जैसे जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो एक ये वर्सेटिलिटी होती है, ड्राइंग को आपको बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आप कमांड विंडो में ऑप्शन होता है, उसमें भी आप जूम कर सकते हैं, या तो आपके पास जूम का आइकन भी उसमें गिवन होता है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपका जूमिंग हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक कॉर्नर में, जैसे मान लीजिए इफ यू क्लिक वन कॉर्नर रिलीज द माउस बटन एंड देन क्लिक द अदर कॉर्नर, इट एनेबल्स यू टू जूम इन एंड आउट। अगर आप एक क्लिक करेंगे एक कॉर्नर पे, दूसरा क्लिक करेंगे दूसरे कॉर्नर पे, फिर आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं रियल टाइम में, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की साइज को क्या करता है, व्यूपॉइंट में इंक्रीज या डिक्रीज करके दिखाता है हमें। ओके, तो सबसे पहले हम चूज करेंगे कोई भी क्लिक करके जूम कमांड को, कैसे क्लिक करेंगे, जूम आइकन उसमें दिया होगा, जूम आइकन को क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप या तो कमांड लाइन में टाइप कर सकते हैं, या अगर क्लिक नहीं करना है तो जूम और जेड टाइप कर सकते हैं, फिर उसके बाद ये आपका कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो फिर जो भी जूम के कई सारे ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आगे दिखाता हूँ जूम आइकन भी, तो वो ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन पिक करके आप जूमिंग आउट और इन कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ और चीजें हैं, ये सारे जूम के ऑप्शंस हैं। तो द फॉलोइंग आर बेसिक जूम ऑप्शंस, तो जूम ऑल कर सकते हैं, जूम एक्सटेंड कर सकते हैं, जूम प्रीवियस कर सकते हैं, जूम विंडो कर सकते हैं, जूम स्केल कर सकते हैं, जूम सेंटर, जूम डायनेमिक। तो जूम में भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। तो जूम ऑल क्या करता है स्टूडेंट्स, दिस ऑप्शन कॉजेस द ऑटोकैड टू डिस्प्ले द होल ड्रॉइंग एज फार एज द ड्रॉइंग लिमिट्स और ड्रॉइंग एक्सटेंड्स। तो मतलब पूरी की पूरी ड्राइंग को, आपकी होल ड्राइंग को विद इन द ड्राइंग लिमिट्स, ये आपको शो करके दिखाता है, ठीक है। तो जो बड़ा होगा उसके अंदर ही दिखाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जूम एक्सटेंड, जूम एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, इट डिस्प्लेस द करंट ड्राइंग कंटेंट एज लार्ज एज पॉसिबल, जो आपकी करंट ड्राइंग है उसको कितना
अधिक से अधिक बड़ा करके दिखा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज जूम एक्सटेंड, जो कि आपके स्क्रीन पे फिट हो जाए। ओके फिर उसके बाद जूम प्रीवियस ऑप्शन क्या करता है, जो प्रीवियस डिस्प्ले किया होता है, पहले कोई डिस्प्ले किया होता है उसको आपको फिर से रिस्टोर करके दिखा देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली 10 जो व्यू है पिछले 10 व्यू तक ये सेव करता है। जैसे मान लीजिए पहले आपने कुछ और देख रखा है, जैसे अभी कुछ और जूम इन या जूम आउट करके पीछे कई बार आपने देख रखा है, तो पीछे पिछले जो 10 व्यूज होते हैं उसको सेव कर लेता, पिछले 10 व्यू को ये जूम प्रीवियस रिकॉल करके दिखा सकता है आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब जूम विंडो है, इसका मतलब क्या होता है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो लाइक हिडन डिफॉल्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है, इट प्रॉम्प्ट द यूजर टू पिक द टू कॉर्नर ऑफ द बॉक्स। इसमें हमें दो कॉर्नर ऑफ द बॉक्स को क्लिक करना होता है एग्जिस्टिंग व्यू में, ताकि हम उस एरिया को, जैसे मान लीजिए एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक दूसरा कॉर्नर ये है, तो दोनों कॉर्नर को हम पिक कर लेंगे, तो इस कॉर्नर के अंदर जो भी ड्रॉइंग होगी उसको हम मैग्निफाई कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उसका जूम स्केल है, बेसिकली मैग्निफिकेशन के लिए होता है, जैसे उसमें जूम स्केल सेलेक्ट करेंगे ना स्टूडेंट, तो वहां पे स्केल का ऑप्शन आएगा कि आप कितने टाइम स्केल कर सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका दुगुना चाहते हैं, तीन गुना चाहते हैं, चार गुना चाहते हैं, तो वहां पे ऑप्शन आएगा, तो वहां पे 4x टाइप करके एंटर मार देंगे, तो आपका जूम सेंटर से ये बड़ा होके आपका चार गुना दिखा देगा। जूम डायनेमिक्स बेसिकली जो मूवमेंट होता है, जो क्विक मूवमेंट होते हैं अराउंड द ड्राइंग, उसको ये दिखाता है, जैसे कि लाइक इट परमिट्स अ वेरी क्विक मूवमेंट अराउंड द ड्राइंग, वंस सिलेक्टेड दिस ऑप्शन रीड्रॉज द ग्राफिक्स एरिया ऑफ द स्क्रीन एंड डिस्प्ले टू रेक्टेंगल्स। तो जितने भी जल्दी जल्दी हम ड्रॉइंग करते हैं उसको इसी जूम डायनेमिक के माध्यम से हम देख सकते हैं पूरे बॉक्स के अंदर, करेंट ड्रॉइंग के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं जो मैंने ऑप्शंस पीछे बताए थे ना, ये सारे ऑप्शंस, ये सारे जो मैंने बताए थे जूम ऑप्शंस, तो इस तरीके से ये जूम का सिंबल होता है स्टूडेंट, इसको क्लिक करेंगे या जूम कमांड को एंटर लिख के एंटर मार देंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस आते हैं, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो या एक जूम का एक टूल बार भी होता है, उसमें भी आप कोई भी ऑप्शन क्लिक करके ले सकते हैं और जूमिंग कर सकते हैं। तो अब आप लोग को ये समझ आ गया होगा जूम कमांड। अब पैन कमांड का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से एक पंजे के हाथ का आकार होता है इसके आइकन का। इससे क्या करते हैं, हम ड्राइंग को कहीं भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी ड्राइंग है, उसको खिसका के उधर ले सकते हैं, मतलब स्क्रीन के इधर उधर हम घुमा सकते हैं इसको। जैसे आपकी ड्राइंग मान लीजिए यहाँ पे आ गई, तो उसको ले आके सेंटर में ले आ सकते हैं, सेंटर से इधर घुमा सकते हैं। तो बेसिकली इसको लोकेशन को शिफ्ट कर देते हैं पैन कमांड से। तो वही लिखा हुआ, यू कैन शिफ्ट द लोकेशन ऑफ योर व्यू बाय यूजिंग द पैन और बाय विंडोज स्क्रॉल बार। ओके, तो इसमें हम कैसे करेंगे, चूज करेंगे व्यू, व्यू में जाएंगे, व्यू में पैन आ जाएगा ऑप्शन, या तो फिर आप इससे जा सकते हैं, ऊपर व्यू का ऑप्शन होता है यहाँ पे जब ऑटोकैड ओपन करेंगे, फिर उसके बाद या तो आप पैन आइकन आपको दिखता रहेगा कहीं कमांड बार में, उसको क्लिक कर दें, या तो आप डायरेक्ट टाइप कर दें पैन कमांड में, वो एक्टिव हो जाएगा, पैन लिख दें या पी लिख दें, फिर उसके बाद आप पैनिंग कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं स्क्रॉल बार से। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूव कमांड की बात करते हैं। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया आप जूमिंग कैसे करते हैं, पैन कमांड का यूज कैसे करते हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जूम आपका मूव कमांड, मूव कमांड कैसे हम यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव कमांड कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूव का वैसे बेसिकली के नाम से पता चल रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, एक स्थान से दूसरी जगह ले जाएंगे। तो उसका एक आइकन होता है इस तरीके से। अब मूव कमांड को सेलेक्ट करने का या एक्टिव करने के कई माध्यम है, पहला है मॉडिफाई में जाएंगे, मूव में जाएंगे। तो बेसिकली ये कौन सा कमांड होता है, अगर कोई पूछे कहीं ऑप्शन में आएगा कि मूव कमांड कौन सा कमांड है, तो दिस इज अ मॉडिफाइंग कमांड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है, एक स्थान से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो मॉडिफाई में जाएंगे, फिर उसके बाद मूव का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देंगे, या तो आप सिंपली मूव का एक आइकन होगा उसको टूल बार में उसको क्लिक कर देंगे, या तो और भी सिंपल है, कुछ नहीं आ रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप टाइप करेंगे कमांड लाइन में मूव या फिर एम, एंटर मार देंगे, तो आपका मूव कमांड एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या पूछेगा, पिक ऑब्जेक्ट्स टू मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, जो जैसे मान लीजिए एक सर्कल ही बना रखा है उसको मूव कराना है, तो उसको क्लिक करेंगे। फिर उसके पूछेगा पिक अ पॉइंट टू मूव फ्रॉम द बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट, किस पॉइंट से आपको मूव कराना है। ठीक है,
तो दैट मीन्स एक पहला पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमने ये बना रखा है, इस पॉइंट से हमें मूव कराना है, तो इस पॉइंट को पहला पॉइंट क्लिक करेंगे। फिर पूछेगा पिक अ पॉइंट टू मूव टू सेकेंड पॉइंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, फिर दूसरा पॉइंट कहाँ पे हम इसको ले जाकर रखेंगे, ये सेकेंड पॉइंट यहाँ दे दिया, तो ये यहाँ पे आके मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मूव कमांड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देख सकते हैं दिस इज अ सर्कल, एक लाइन पे हमें मूव कराना है, ये बिफोर मूव है, उसके बाद हमने मूव कमांड यूज करके इसको यहाँ पे ले आ दिया, तो इस तरीके से मूवमेंट हो गया इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप अपने से ट्राई कर सकते हैं, अपने आपके पास अगर सॉफ्टवेयर है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कॉपी कमांड। बेसिकली कॉपी कमांड से नाम से पता चल रहा है, वहां पे हम मूव करा रहे थे, यहाँ पे स्टूडेंट्स उसी ऑब्जेक्ट का रेप्लिका बना देंगे, उसका कॉपी बना देंगे। ठीक है, तो सिंपल है, मॉडिफाई में जाएंगे, अब यहाँ पे कॉपी चूज कर लेंगे। कॉपी चूज करने के बाद या तो आप इस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं, या कॉपी का इस तरीके से आइकन होता है उसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये भी दोनों नहीं आ रहा है, तो सिंपल है, कमांड लाइन में कॉपी लिख देंगे या सीपी लिख के एंटर मार देंगे। फिर पूछेगा पिक द ऑब्जेक्ट्स टू कॉपी, जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है उसको हमें पिक करना पड़ेगा, तो वो हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछेगा पिक अ पॉइंट टू मूव फ्रॉम, मतलब कहाँ से आपका कॉपी कराना है। ठीक है, तो वो हम बेस पॉइंट ले लेंगे, कोई एक पॉइंट पिक कर लेंगे। फिर पूछेगा स्टूडेंट्स पिक अ पॉइंट टू कॉपी टू, कहाँ पे कॉपी कराना है, दूसरा पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देना पड़ेगा, वो पॉइंट जस्ट हम पिक कर देंगे, या तो हम पॉइंट पिक कर दें, या तो हम कमांड लाइन में एक एक टाइप कर दें अ पॉइंट टू कॉपी टू। तो एक पॉइंट जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 0 0 पर हूँ, तो इसका मतलब समझ ले, मान लीजिए ये पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं पे है और दूसरा पॉइंट आपका मान लीजिए 2,4 पे है, तो वो पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप एक्स एक्सिस में लिख रहे हैं, तो ये वन वन अमाउंट एक्स एक्सिस में, बाकी इस तरीके से एंगल 0 दे दिया, तो ये एंगल होता है हमें एक्स एक्सिस में, वन सेकेंड पॉइंट जो है वन पॉइंट पे आ जाएगा, यानी वन डिस्टेंस पे, वन यूनिट पे जाके दूसरा आपका कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे कराना है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और उसको 2 सेंटीमीटर मूव कराना है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट कॉपी का कमांड सेलेक्ट करूंगा, फिर पॉइंट पूछेगा, तो मैं यहाँ इस पॉइंट को क्लिक कर दूंगा, फिर दूसरा पॉइंट मैं ऐसे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे मेजर नहीं पता, तो मैं यहाँ पे कॉपी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे पॉइंट टाइप कर दूंगा, इस तरीके से एट द रेट लिख के 2 2 एंगल 0 लिख दूंगा, तो इस तरीके से आपका ये 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा। होप आप लोग को ये समझ में आ गया। तो दिस इज अ कॉपी कमांड, जिस तरीके से हमने ये पॉइंट पिक किया था, दूसरा पॉइंट यहाँ पिक किया, तो ये आपका कॉपी हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिरर कमांड। जैसे हमने वहां पे 3D मिरर देखा था, यहाँ पे 2D मिरर भी वैसे ही करेंगे। 2D मिरर करना है तो कैसे करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे स्टूडेंट, फिर मिरर कमांड सेलेक्ट करेंगे, या तो आप मिरर का आइकन ये होता है देख से ध्यान से इसको क्लिक करेंगे, या तो सिंपल है आप कमांड लाइन में मिरर टाइप करके एंटर मार देंगे। फिर आपसे पूछेगा पिक द ऑब्जेक्ट टू मिरर, कोई ऑब्जेक्ट बना रखा होगा आपने उसको मिरर कराना, उसको क्लिक करेंगे। फिर पूछेगा स्टूडेंट्स पिक द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, क्योंकि हम जो मिरर कराएंगे किसी एक रेखा के सापेक्ष कराएंगे, किसी एक लाइन के अबाउट कराएंगे, तो एक लाइन हमें खींचनी पड़ेगी उसके अबाउट मिरर कराएंगे, तो एक उस लाइन पे हमें 2 पॉइंट देने पड़ेंगे, मान लीजिए ये पहला पॉइंट यहाँ दे दिया, दूसरा पॉइंट नीचे दे दिया, तो पिक अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, फिर पिक अ सेकंड पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, ये दोनों कर देंगे। तो फिर पूछेगा टाइप यस टू डिलीट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और नो, तो हमें यस और नो करना है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो आपका वो रखना है जो मिरर करा रहे हैं जो मेन मेन ऑब्जेक्ट है, या तो डिलीट करना है, तो हम हमें डिलीट नहीं करना, ओल्ड ऑब्जेक्ट हमें रखना है, तो हम उसको नो कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देख सकते हैं आपका ये आपकी मिरर लाइन है, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने मिरर कमांड एंटर करके, फिर एक पॉइंट यहाँ क्लिक किया, एक पॉइंट यहाँ फिर क्लिक किया, फिर एन लिख के एंटर मार दिया, तो इस तरीके से इसका मिरर कमांड, ये मिरर इमेज बन गई है। तो होप आप लोग के मिरर कमांड भी समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रोटेट कमांड। सिंपल 2D जैसे हमने 3D में रोटेट पढ़ा था, 2D में भी देख लेते हैं कि रोटेट कैसे कराएंगे। तो चूज सिंपल चूज करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, रोटेट ऑप्शन में जाएंगे, या तो आप रोटेट का इस तरीके से आइकन दे रखा होगा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद आपका या तो आप टाइप कर दें, इन सभी इससे नहीं समझ में आ रहा है तो टाइप कर दें रोटेट कमांड लाइन में, आपको रोटेट कमांड एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको पिक करना होगा ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है, उस ऑब्जेक्ट को हमने क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया। फिर कह रहा है पिक अ पिवट पॉइंट टू रोटेट अराउंड, किसी एक बिंदु के अबाउट हमको सापेक्ष रोटेट कराना पड़ेगा, तो एक बेस पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद पूछेगा रोटेशन एंगल, रोटेशन एंगल हमें देना पड़ेगा।
हम रोटेशन एंगल नंबर में दे दें, या तो हम कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया, दूसरा हमें मान लीजिए इसको रोटेट कराना है या इतने एंगल पे, तो हमें एंगल कुछ नहीं दिया, हमने दूसरा पॉइंट यहाँ क्लिक कर लिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक जितना एंगल बना होगा उतना ये रोटेट हो जाएगा। तो या तो हम अमाउंट दे दें रोटेशन एंगल, या तो पॉइंट पे कर लें। ठीक है, समझ गए आप लोग? वापस चलिए देख सकते हैं, ये रोटेट कमांड है। तो ये एक आपका पाइवोट पॉइंट है, इसको हमने मार्क कर रखा है, इसके अबाउट ही ये रोटेट हो गया। पहले इस तरीके से था जो डॉटेड है, अब उसके बाद ये इसके अबाउट इतना एंगल ये रोटेट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग के समझ में आ गया। या तो अमाउंट एंटर कर दें कितना एंगल रोटेट कराना है, या तो फिर आप उसका पॉइंट सेलेक्ट कर दें। जैसे मान लीजिए मुझे अमाउंट नहीं देना, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट पिक किया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे पिक कर लिया रोटेशन पॉइंट, तो इस तरीके से आपका रोटेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक पॉइंट यहाँ पिक किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, दूसरा पॉइंट हमने नीचे पिक कर लिया, तो इतना एंगल जो है ये रोटेट हो गया, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को ये समझ में आ गया, ये सॉरी ये एंगल। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्केल कमांड, स्केल कमांड का मतलब होता है क्या कि छोटा बड़ा करना किसी ऑब्जेक्ट के साइज को, मतलब व्यू पोर्ट में बड़ा छोटा नहीं करना, वो तो जूम इन जूम आउट होता है, उसकी स्केल को ही छोटा बड़ा कर देना, स्केलिंग करता है। तो उसमें सिंपल है, चूज में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, स्केल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या तो फिर आप स्केल आइकन दिया होगा वो क्लिक कर देंगे। इसमें मैंने डाल नहीं रखा, हो सकता है आप देख लीजिएगा, आपके गूगल पे भी करके देख सकते हैं। उसके बाद आपका टाइप करेंगे स्केल कमांड, या तो इस तरीके से आप स्केल कमांड चूज कर सकते हैं, स्केल कमांड एंटर कर दें, फिर उसका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा, ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कहेगा पिक अ पाइवोट पॉइंट टू स्केल अबाउट, कोई एक बेस पॉइंट देना पड़ेगा जिसके अबाउट वो स्केल होगा, बड़ा या छोटा होगा। उसके बाद आपको एक स्केल फैक्टर वैल्यू देनी पड़ेगी, कितना स्केलिंग करना है, दो दो गुना, तीन गुना, चार गुना, या तो फिर एक पॉइंट पिक कर लें कि इतना बड़ा हमें होना चाहिए, तो या तो आप नंबर दे दें या तो एक पॉइंट दे दें, दो पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट आपका नया था, पुराना था, और ये बड़ा स्केलिंग हमने कर दिया, उसके कई गुना बढ़ा दिया। मान लीजिए एक पाइवोट पॉइंट यहाँ दिया, उसका जब दूसरा पॉइंट, दूसरा जब पूछेगा अमाउंट, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे या तो हम जब कहेगा स्केल फैक्टर वैल्यू, तो हम यहाँ स्केल फैक्टर वैल्यू ना लिख के हम जस्ट पॉइंट को क्लिक कर देंगे, हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से आपकी स्केलिंग हो जाएगी। तो आप लोग को ये समझ में आ गया हो, तो इस तरीके से इस वीडियो में हम आज के लिए ये कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है, सेकेंड चैप्टर ओवर हो गया है, और आप इसके असाइनमेंट मैं सबमिट करूंगा, वो भी आपको कंप्लीट करना है, और चैप्टर वन का असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी दे रखा है गूगल क्लासरूम में, उसको जिसने नहीं किया उसको कंप्लीट करें, और डेली अटेंडेंस मार्क करें, तभी आपका मार्क्स का इवोल्यूशन, इंटरनल मार्क्स का इवोल्यूशन सब कुछ उसी पे बेस्ड होगा, ताकि मुझे पता चले कि आप स्टूडेंट्स घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। बिकॉज मैं आप लोगों के लिए वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है आप भी घर पे रह के पढ़ाई करें और सीखें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।